टाउनशिप विभिन्न मार्गों में जगह जगह ठेले खोमचे वालों के कारण सड़क जाम के साथ दुर्घटना जन्य स्थिति बनी रहती है। ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी ने सड़क सुरक्षा दुरुस्त करने बीएसपी प्रबंधन को पत्र लिखकर कड़े कदम उठाने आग्रह किया है। साथ ही सुव्यवस्थित वेंडिंग जोन के निर्माण का सुझाव दिया है। ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र ने सड़क सुरक्षा को दुरुस्त करने को लेकर बीएसपी प्रबंधन से आग्रह किया है। ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने कहा कि टाउनशिप क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में जगह जगह अनियंत्रित ठेले खोमचों के कारण सड़कों में लगातार जाम और दुर्घटना जन्य स्थिति बने रहती है। पहले भी प्रबंधन को भिलाई टाउनशिप में सेंट्रल एवेन्यू के मुर्गा चौक फ्लाईओवर के समीप बीएसएनएल चौक सेक्टर 1, सुनीति उद्यान सेक्टर 8 चौक तथा फॉरेस्ट एवेन्यू में बोरिया गेट के समीप और चाइना बाजार में पंथी चौक सेक्टर 9 सेक्टर 10 के समीप रिसाली बाजार चौक में अनेकों अवैध ठेले खोमचों की वजह से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है। नरेंद्र बंछोर ने कहा कि भिलाई में यह स्थिति यहाँ की सड़कों को असुरक्षित बना रही है। यद्यपि नगर सेवा का प्रवर्तन विभाग पूरी तरह से सुधार कार्य में लगा हुआ है तथा परिस्थिति पहले से सुधरी हुई है, परंतु अव्यवस्थित ठेले गुमटियों पसरा लगाने वालों और मवेशियों से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। भिलाई नगर वासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विगत कुछ दिनों के अंतराल में भिलाई में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। इस संबंध में ऑफिसर्स एसोसिएशन बीएसपी के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने जानकारी दी। ऑब्जर्वेशन ब्लास्ट स्टील प्लांट ने पहले भी इसके लिए प्रयास किया था, बट कुछ कारणों से वो व्यवस्था नहीं हो पाई। हम लोग ने पुनः प्रबंधन से बात की, बीएसपी प्रबंधन से बात की, और हम लोग का ये कहना है कि आज की तारीख में जितनी दुर्घटनाएं हम लोग सड़कों पर देख रहे हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि सड़कों पर अन्य तरह भी वाहन खड़े रहते हैं, ठेले खड़े रहते हैं, गुमटियाँ बन जाती हैं, वहाँ के लोगों को आने जाने में परेशानियाँ होती हैं। इसके कारण जब जब फल के ठेले या सब्जी के ठेले लगते हैं तो वहाँ जानवर भी यत्र तत्र पाए जाते हैं। तो आज की तारीख में वहाँ कई जगह ऐसा होता है कि मार्केट के बीच से गाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब जनरली जब मार्केट लगता है तो ग्राहक भी आ जाते हैं, ग्राहक आते हैं तो ग्राहक भी रोड पर गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो पीछे जो वाहन रहते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है और कई दुर्घटना इसी कारण हो भी रही हैं। तो इसका हम लोगों ने इसके लिए ध्यान आकर्षित किया है कि अभी जो हमारे विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, हम शासन प्रशासन से अपील कर बीएसपी प्रबंधन शीघ्र जितने भी सड़कें हैं उसको खाली कराएँ और उनको व्यवस्थित किया जाए, और हमारे पास जहाँ खाली जगह है वहाँ पे हम लोग वेडिंग जोन बनाएं और बकायदा सिस्टम से उसका लाइसेंस इशू करके उसका जो भी आपको किराया लेना है किराया लीजिए, ना भी लीजिए, लेकिन कम से कम सड़क की सुरक्षा बना करके कि सड़क सुरक्षित रहे, सड़कों पर लोग ना मिलें और सड़कों पर ये ठेले गुमटियाँ जानवर इस पूरे हटा जाए, क्योंकि सड़कों की व्यवस्था भिलाई की जो पहले थी वो बहुत ज़्यादा अभी ख़राब हो चुकी है। लोग को कहीं ठेला ना रहे तो वहीं पसार कर बैठ जाते हैं और रात में समय दिखता नहीं है, जहाँ लाइट नहीं रहेगी ये बहुत बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है, और दुर्घटना हो भी रही है। तो हम लोग ने प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया है कि पहला काम ये किया जाए कि वेडिंग जोन चिन्हित किए जाए, उन्हीं वेडिंग जोन पर ठेले खोमचों को अलाउ किया जाए और उनका लाइसेंस बनाया जाए, बिना लाइसेंस के बिना बीएसपी के प्रबंधन के परमिशन के यहाँ लोगों पर अलाउ ना किया जाए। ये सबके हित में होगा, ऐसा शहर सुंदर होगा, स्वच्छ होगा, सुरक्षित होगा, और यही हम लोग का उद्देश्य था। पहले भी हम लोग इसलिए बात कर रहे थे, अभी इस पर हमने अपना फिर से ध्यान आकर्षित किया, और अब क्योंकि ये समय आ चुका है कि ये सब चीज़ों को हटाया जाए। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देखिए हम सब ने देखा पिछले एक महीने से इस किसी भी के जितने लाइटिंग के जितने टावर्स होते हैं सड़कों के किनारे बैनर फ्लैग्स गायब थे, क्योंकि हमारी आचार संहिता के अंदर में चुनाव आयोग का एक प्रयास था और प्रशासन के कहने से ये सब हटा दिया गया। अभी हम लोग का प्रबंधन से ये भी अनुरोध है कि इसको भी मेंटेन रखा जाए, जितने भी बैनर पोस्टर लगते हैं जहाँ पर जगह व्यवस्था दी गई वहीं लगाए जाए, रोड पर जहाँ भी हर पोल पर जो एक तरीके से बैनर ये सब लटका दिए जाते हैं, फोटो लटका दिए जाते हैं, हटा दिया जाए, शहर बहुत सुंदर दिखेगा, और ये व्यवस्था हमेशा कायम रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, और जो सहयोग लगेगा वो ये अपनी तरफ से पूरा सहयोग देगा इस काम के लिए। जहाँ भी खड़ा होगा हम खड़े होंगे, और जहाँ कभी लगेगा कि कोई पॉलिटिकल इंटरवेंस हो रहा हम उसका विरोध करेंगे, और शासन प्रशासन से जहाँ बात करना उसके लिए हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। लेकिन ये बीएसपी प्रबंधन को आगाह किया गया है कि इस काम को त्वरित किया जाए, क्योंकि ये समय अब जब चुनाव हो चुके हैं तो हम सबको अपने इस शहर के लिए पूरा ध्यान रखना है। यही हम लोग ने अनुरोध किया और हमारी टीम ने भी यही उसके लिए प्रयास भी चालू किए हैं। हम लोग ने जहाँ जहाँ भी ये दिखता उसके फ़ोटो लेना चालू किए हैं, और हम लोग ये फ़ोटो इसमें मेरा हमारे भिलाई के नागरिकों से भी आग्रह है कि इस तरह के जो ठेले रोड पर लगते हैं इसे सामान ना खरीदें। देखिए आप हमारे लोग भी अगर जागरूक रहेंगे तो ये व्यवस्था बन जाएगी अपने आप,
एक तो मैं प्रबंधन का भी इसमें दायित्व तो बनता है कि एक वेडिंग जोन निर्धारित करे, वहाँ पर ये सब व्यवस्थाएं रहें जहाँ सब्जी फल उनको मिल पाए। और दूसरा ये भी दायित्व हमारे जनमानस का, भिलाई के नागरिकों का भी है कि जिस तरह के ठेले खोमचे या इस तरह की व्यवस्थाएं जो मार्केट रोड पर लगे आता है, रोड के अगल बगल में लगे आता है, वहाँ पे वो सामान नहीं लेंगे तो अपने व्यवस्था सुधर जाएगी। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है, उसका भी हम लोग को निर्माण करना चाहिए, जो जिम्मेदारी है हमारी कि इस रोड को सुरक्षित बनाए ताकि रोड पर आवागमन हो, रोड पर बाजार न लगे। तो ये हम सबका जिम्मेदारी है और इस पर दोनों तरफ से काम होना है, इस पर प्रबंधन को भी काम करना है, हमारे जो भिलाई के नागरिक उनको उसमें सहयोग करना है। तो ये प्रयास हम लोग करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से बीएसपी प्रबंधन के साथ मिलकर, यादव पुलिस के साथ मिलकर इस काम को फिर चालू कराएंगे। जो बंद आपने कहा सच्चाई है कि पहले ही हम लोग ने हटाए थे कई जगह से मार्केट, लेकिन फिर आ गए हम लोग। ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बंछोर ने बताया कि मानसून के दौरान भिलाई में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसका मुख्य कारण आवारा पशु एवं अवैध ठेले ही होते हैं। अतः नगर के व्यस्त क्षेत्रों को और सुरक्षित बनाने सड़क के किनारों एवं चौक पर खड़े अवैध गुमटियों को हटाया जाना आवश्यक है। इस कार्रवाई से नगर बेहतर व्यवस्था के साथ अधिक सुरक्षित हो जाएगा। ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रबंधन को नगर में सुव्यवस्थित अस्थायी वेंडिंग जोन के निर्माण करने का सुझाव दिया है, जिससे भिलाई नगर की सड़कें सुरक्षित होंगी और नगर सेवा विभाग को रेवेन्यू भी प्राप्त होगा। साथ ही ठेले एवं गुमटी संचालक गण बिचौलियों से भी मुक्त हो पाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।